वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा इनकी 32 फीट, इनकी 32 फीट इनका फ्रंट है और जो इनका डेप्थ है वो हमारा 35 फीट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा 35 फीट है, यानी कि 32x35 का ये हमारा प्लॉट है। और ये मैप है जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से बनाया गया है। अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये रहा। और इसी के साथ ये हमारा मिस्टर कुंडू जी का मैप है, इसको स्टार्ट करते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट है 2 BHK सेट, तो 2 बेडरूम हमें बनाने हैं जो कि हमने बना दिए हैं। सबसे पहले हम इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं जो कि हमने यहाँ पर डोर दिया हुआ है। उसके बाद आप लोबी में आ जाते हैं। लोबी का साइज़ हमने दिया हुआ है इनको 18 फीट 6 इंच x17 फीट की ये लोबी दी हुई है। लोबी के इस साइड में आपको यहाँ पर डाइनिंग टेबल देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको बैठने के लिए सोफ़े वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ लोबी के वेंटिलेशन के लिए आपको ये भी देखने को मिलती है, ये विंडो भी हमने, ये ब्लू कलर की विंडो हमने यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद आप इधर आते हैं तो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर पूजा रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है। पूजा रूम का साइज़ है इनका 4 फीट x3 फीट की हमने इनको पूजा रूम दी हुई है। और डाइनिंग के आगे ही आपको स्टेयरकेस देखने को मिलती है जो कि हमने 3.5 फीट की दी हुई है स्टेयरकेस। ये इससे आप फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर चले जाते हैं, ये एरो जो लगाया गया है ऐसे आप ऊपर जाएंगे। उसके बाद आप इधर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ड्राइंग रूम, जिसके लिए एक डोर हमने यहाँ से और दूसरा डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का साइज़ है इनका 12 फीट x11 फीट का ड्राइंग रूम बनाया गया है। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए ये ब्लू कलर की विंडो भी लगाई गई है। यहाँ पर बात करें अगर इसमें डोर की, तो यह इसमें हमने 2 डोर दिए हुए हैं, एक डोर आपका बाहर से है और दूसरा डोर आपका अंदर लोबी से है। सोफे वगैरह हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है, आगे चलते हैं तो देखने को मिलता है किचन, जिसके लिए लोबी से ही, ये हमारी लोबी है, इसी से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है किचन की डोर, क्योंकि हमें 2.5 फीट का दिया हुआ है। इस किचन का साइज़ है आपका 8 फीट 3 इंच x5 फीट 9 इंच की ये किचन बनाई हुई है और इसमें हमने आई साइज़ की स्लेब भी डाली हुई है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने ब्लू कलर की विंडो लगा दी है, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। और पीछे शाफ्ट भी छोड़ी हुई है जिसका साइज़ हमने 3 फीट x5 फीट का दिया हुआ है। ये ओपन एरिया इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ से विंडो, इस विंडो को लगाई जाए और यहाँ से इसका किचन का फुल वेंटिलेशन हो जाए। उसके बाद आप चलते हैं बेडरूम की तरफ अपने, तो ये रहा आपका फर्स्ट बेडरूम, इसमें आप एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 13 फीट x13 फीट का बेडरूम बनाया गया है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ब्लू कलर की ये विंडो यहाँ पर लगा दी गई है। इसी के साथ आपको इस बेडरूम में जो बेड देखने को मिलता है वो इस साइड में देखने को मिलता है, सामने आपकी LCD लग जाएगी। उसके बाद इसके बराबर में ही आपको देखने को मिलती है टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दिया हुआ है। टॉयलेट का साइज़ आपका 5 फीट x6 फीट 6 इंच की टॉयलेट बनाई गई है। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए ये ब्लू कलर का से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपको टॉयलेट में देखने को मिलता है पीछे जाने के लिए ओपन एरिया, 6 फीट x2.5 फीट का हमने ओपन एरिया दिया हुआ है। ये ओपन एरिया इसलिए दिया हुआ है ताकि दोनों बेडरूम का टॉयलेट का वेंटिलेशन इस ओपन से हो जाए। उसके बाद इसके बराबर में आपको देखने को मिलता है सेकेंड बेडरूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ आपका 12 फीट x13 फीट का बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ब्लू कलर की विंडो है ये लगा दी गई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। तो 32x35 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। और आप भी अगर मैप बनवाना चाहते हैं तो आप भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से मैप बनवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये रहा, आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।